यहाँ तक हमने रीड किया था कि जब कोलोपिडिन को अरेस्ट किया जाता है तो वो मूर्छित होकर सबसे पहले गिरते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा सोचा नहीं था जो हो जाता है। और उसके बाद लोग यह सोचने लगते हैं कि अब पापी का पाप कट जाएगा। इस तरह से सारे जो गलत काम करते थे वो सभी अपने आप में व्यग्र हो जाते हैं कि हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित ओलोपिडिन इस अगाध वन के सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि ओलोपिडिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध थन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से दामाडोल। यहाँ पर पहली बार ऐसा होता है ओलोपिडिन के साथ कि उन्हें कानून के सामने खड़ा किया जाता है। उनके पास बहुत बड़ी संख्या में वकीलों की सेना हो जाती है। न्याय के मैदान में पहली बार धर्म और धन में युद्ध थना होता है। वंशीधर के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खड़े थे। उनके पास सिवाय सत्य के और भी कोई बल नहीं था। वो स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं रखे थे। गवाह थे किंतु लोभ के डावाडोल। उनके पास गवाह थे लेकिन कोई भरोसा नहीं था कि वो कब पैसे की तरफ लुढ़क जाए। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित ओलोपिडिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। और वही हुआ जो वंशीधर सोच रहे थे। उनके खिलाफ आता है केस, उनके पक्ष में ना होकर पंडित ओलोपिडिन के पक्ष में चला जाता है। और पंडित ओलोपिडिन के विरुद्ध जो प्रमाण दिए जाते हैं वो पूरे के पूरे निर्मूल और भ्रमात्मक चाहे स्पष्ट किए जाते हैं। मतलब कि उनके खिलाफ जो प्रमाण है वो सब बेबुनियाद है, झूठी है और भ्रम कराने वाली है। और उन्हें वहां का एक बहुत बड़ा आदमी कहकर सम्मान दिया जाता है। और ये सुनवाई होती है कि यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। इस तरह से मजिस्ट्रेट अपनी सुनवाई में सुनवाई देते हैं। और नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर को अधिक दोष उन्हें भी नहीं देते हैं, लेकिन
वह खेद जताते हैं कि उनकी इस उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। और वह ये भी कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं कि मुंशी बंशीधर अपने काम के प्रति सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली से उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, उल्टा उन्हीं पर उलट कर आ जाता है कि जो नमक की हलाली हो रही है उसके खिलाफ उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, भविष्य में उन्हें होशियार रहने की जरूरत है। इस तरह से मजिस्ट्रेट मुंशी बंशीधर को कहते हैं। और पंडित ओलोपे दीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती है, सारे जो गवाह रहते हैं सब मुंशी बंशीधर के खिलाफ हो जाते हैं, जिसका उन्हें शुरू से ही डर था और अंत में वही होता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देख फिर आगे है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित ओलोपे दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। फिर वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। वंशीधर जो थे वो धन को कुछ भी नहीं मानते थे, उनसे बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर
पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। ये हुआ था वंशीधर की फैमिली के साथ कि उनके जो पिता थे वो उन्हें बहुत समझा बुझाकर इस ओहदे पर पहुंचाए थे, और इस ओहदे को पाने के बाद भी उन्होंने समझाया था, लेकिन वंशीधर को वह बात समझ ना आई और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना सही लगा। बाद में ओलोपी दीन ने केस जीतकर सारे चीजों को गलत ठहरा दिया, और यहीं से शुरू हुआ वंशीधर का, जो कि नौकरी में होते हुए भी अपने ओहदे को नहीं संभाल पाए, ईमानदारी उनके किसी काम नहीं आई, और उल्टा माँ बाप से भी उन्हें सुनना पड़ा। गांव वाले तो सुनाए ही, वहां के लोगों ने उन्हें सुनाया, पर घर में भी वही थी कि उनके पिता ने इतना बोला कि अगर वो वहां से नहीं हटते तो शायद कुछ और ही कांड हो जाता, इसलिए वंशीधर वहां से हट जाते हैं। माँ की भी जो मन्नतें थी, कामनाएं थी, वो सारी धरी की धरी रह जाती है। इस तरह से होता है मुंशी वंशीधर के साथ। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सिंगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित ओलोपी दीन है, झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। फिर आगे देखते हैं। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। ओलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। ओलोपी दीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित ओलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने ओलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यमाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती सी बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल
मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। ओलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। ये बातें हुई ओलोपीदीन और वंशीधर के बीच में। अब ओलोपीदीन, क्या ऐसी चीज है जो वंशीधर को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। फिर ओलोपीदीन बोलते हैं कि ओलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित ओलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ओलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि, ना वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। तब ओलोपीदीन ने कमलदान से कमल निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ आती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। ओलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, फिर परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें दबदबा आई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ओलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यदि वंशीधर और ओलोपीदीन के बीच की जब ओलोपीदीन हिरासत से छूटते हैं, उसके बाद वो वंशीधर के अंदर वो खास बातें पाते हैं कि मेरे जितनी भी जायदाद है इन सबका इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जो इसकी रक्षा कर सके। इसलिए वो हफ्ते भर बाद वंशीधर के घर जाते हैं और उन्हें एक अपने पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करके उनसे दस्तखत लेना चाहते हैं। उन्हें एक बंगला, रहने के लिए गाड़ी, घूमने के लिए गाड़ी, सारी चीजों की व्यवस्था होती है और मासिक वेतन के साथ उन्हें अलग से खर्च के लिए भी वह बताता है। ये सारी चीजें होने के बाद उन्हें लगता है वंशीधर को कि ये मेरी हंसी उड़ाने आए होंगे, मुझे लज्जित करने आए होंगे, लेकिन ओलोपीदीन ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं जाते हैं। वह उन्हें एक अच्छी ओहदे पर नियुक्त करते हैं और उसके लिए वंशीधर को वो तैयार भी कर लेते हैं। वंशीधर उसमें सिग्नेचर करते हैं, दस्तखत करते हैं और उस पद के लिए वह स्वीकृति दे देते हैं। इससे ओलोपीदीन बहुत खुश होते हैं और
खुश होने के साथ वो प्रफुल्लित होकर वंशीधर को गले लगा लेते हैं। तो ये था नमक का दरोगा। कहाँ नमक की बात हुई और कहाँ पर नमक आकर रुका, इस बात को समझने के लिए है कि ओलोपे दिन जो गैर सरकारी नमक के लिए हिरासत में लिए गए थे, वो अपने खुद के नमक के लिए उसी व्यक्ति को चुनते हैं जो कि उन्हें नमक के लिए हिरासत में लिया था। ये है नमक का दरोगा चैप्टर। आपको समझ आया चैप्टर? Yes, ma'am. Okay. Yes, किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. सबको समझ आ गया? तो आज आप इस चैप्टर को रीड करोगे, नमक का दरोगा, और कल मैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, आपको समझ आ रहा है ना? आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगी और कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे देंगी। ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कल तक की तैयारी आप करके रखेंगे और क्लास को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। यस मैम।